हाँ जी, नमस्ते पीयूष जी। ठीक और सर कैसे हैं हूँ जी। सर? आप अभी कहाँ पे हैं, मतलब मैं सिटी? अभी अच्छा अहमदाबाद में हूँ। सर, और वहाँ पे सर सब ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है अभी। काफी सारा फैल रहा है कोविड, तो हम तो अंदर ही, घर के अंदर ही बंद रहते हैं, क्योंकि आसपास एक दो हॉटस्पॉट्स हैं, यही आज 500-600 मीटर के डिस्टेंस पर ही है। अच्छा, तो सर शुरू करें फिर? हाँ, जैसे अभी बीच में माहौल चल रहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है ना सर, कि क्या लिखा हुआ है? अब लोग कह रहे थे, मैं एग्जैक्टली उसको फिर 31, आर्टिकल 31 में था ऐसा कुछ कि गीता नहीं पढ़ा सकते, कुरान पढ़ा सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं रिलीजियस। तो क्या हमारे स्कूल में कभी फ्यूचर में या प्रेजेंट में कभी भी अगर अलाउ भी हो तो ऐसे नहीं पढ़ा सकते कि टॉपिक वाइज, जैसे इस पर्टिकुलर पोर्शन में गीता में क्या है, कुरान में क्या है? जैसे कि आपने आपकी मैंने वो वीडियो देखी थी औरतों वाली, कि औरतों को कितनी रिस्पेक्ट है कुरान में और गीता में क्या है ऐसे करके। तो क्या ऐसे कभी भविष्य में नहीं पढ़ाया जा सकता कि स्कूल में बच्चों को कि गीता में इस तरीके से ट्रीट किया जाता है हमारे यहाँ और फिर इनके यहाँ ऐसे, मतलब चैप्टर वाइज और पैरेलली? बोले हो कि एक तरह से कंपेरेटिव अगर पढ़ा दिया जाए दोनों का। देखिए, ऐसा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, वो आपको जो मेजॉरिटी रिलीजन है यानी हिंदू धर्म है, वो पढ़ाने की परमिशन नहीं देती है। अच्छा और अब आप किसी भी स्कूल को देखेंगे तो लाखों रुपए उसमें खर्च किए होते हैं स्कूल चलाने वाले ने, और इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि अगर किसी ने किसी स्कूल को बंद करवाने की ठान ली, किसी एक ऑफिसर ने, वो डीईओ है या किसी भी लेवल का ऑफिसर है, तो स्कूल की वो ऐसी तैसी फेर सकते हैं। और इसलिए उनको एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही ऐसी परमिशन मिल जाती है कि आप मेजोरिटी रिलीजन पढ़ा ही नहीं सकते, अच्छा और अगर ऐसा ना भी हो तो भी वो इनडायरेक्टली भी हाथ घुमा के भी इनको इस पे, जैसे बोलते हैं कि ट्विस्टिंग द आर्म कर सकते हैं। लेकिन आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये जानबूझ के किया गया है, डेलिब्रेट है ये, क्योंकि आप दुनिया भर के देश देखेंगे, वहां पर रिलीजन पढ़ाया जाता है। कंट्री सेक्युलर है या नॉन सेक्युलर है, पढ़ाया जरूर जाता है। अभी की प्रोविजंस में ऐसा कुछ नहीं कि आप करवा पाए, ऐसा कंपेरेटिव अच्छा रिलीजन आप नहीं करा सकते। तो सर इसमें फिर इनका भी क्यों पढ़ाते हैं हम लोग, मतलब जैसे हमारा अलाउड नहीं तो इनका भी क्यों अलाउड है? पीयूष जी, ये ना मैं बार बार ये बोला करता हूँ कि हमें ऐसा कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए थे, है ना? तो ये कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। क्योंकि जब हम ये बोलते हैं कि हमने लड़के आज़ादी ली थी, तो उसका मतलब है कि हमने मारपीट के अंग्रेजों को भगा दिया था और फिर हमने अपना रूल बनाया। ऐसा नहीं हुआ था। जो अभी भी हमारे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप देखेंगे, वो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ऑलमोस्ट वैसे के वैसे कॉपी किया हुआ। और जो उद्देश्य है वो ये, एक सिविलाइजेशनल वॉर चल रही है जिसे आम लोग समझते नहीं है, कि जो सारे का सारा सिस्टम बनाया है वो एक, बोलते हैं कि प्लेइंग फील्ड बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस नहीं है, टिल्टेड है एक साइड पे। तो इसलिए आप अगर ये सोचते हैं कि उनका क्यों पढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने इस तरह के उसमें क्लॉज दे दिए हैं, माइनॉरिटिज्म के नाम पे, माइनॉरिटी राइट्स के नाम पे ऐसे क्लॉज डाल दिए, बिना ये एनालाइज किए कि जिन्हें माइनॉरिटी का लेबल लगाया जा रहा है वो प्रिडेटरी रिलीजन है, वो बाकियों को खत्म कर देंगे विद इन विद पैसेज ऑफ टाइम। दूसरा जो अक्सर सुनने को मिलता है कभी भी नॉर्मल रोड पे चलता है, अगर आप किसी डिस्कशन करें या आप किसी ग्रुप में पब्लिक में, तो जैसे जो वर्ड काफिर है, तो कई जगह मैंने सुना है, आपसे भी सुना है, कि काफिर मतलब नॉन मुस्लिम। ये कुरान में स्पेसिफिकली कहीं मेंशन है, या फिर ये लोग तो कहते हैं कि जो वॉर में जिससे लड़ाई लड़ते हैं हम लोग सिर्फ वॉर जोन में, उनको ही हम काफिर कहते हैं? सिर्फ यही नहीं कहते, एक और जो ये चीटिंग करते हैं वो ये बोल देते हैं कि जो किसी को भी नहीं मानता, ये जिसे हम नास्तिक कहते हैं, उसे काफिर कहा है। इसको अगर आपने चेक करना हो, मेरी कुछ वीडियोस भी मैंने इस पे बनाई हैं, जो कुरान की चैप्टर नंबर 98 है,
उसकी वर्स नंबर 1 और वर्स नंबर 6 दोनों काफिर की डेफिनेशन देती है। वहां पे क्लियरली लिखा है काफिर यानी अहले किताब और मुशरिक, ये पहली आयत है। तो अब अहले किताब यानी पीपल ऑफ द बुक, जिसमें क्रिश्चियंस भी आ गए और ज्यूज भी आ गए, और दूसरा कहते हैं मुशरिक। मुशरिक का अर्थ हुआ जो शिर्क वर्ड है उससे बनता है मुशरिक, के शिर्क का मतलब है किसी को साथ में जोड़ना या एसोसिएट करना। जैसे आप सुनते हैं न्यूज में कई बार आता है कि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, है ना, वो पार्टिसिपेट किया, तो वहां से मुशरिक बनता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर और अल्लाह एक है, तो ये आप शिर्क कर रहे हैं, जो कुरान में सबसे बड़ा सिन माना जाता है। तो जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं वो, क्योंकि ये बोलते हैं कि हमारा जो भगवान है वो उसने हमें बनाया, तो दैट मीन आप अल्लाह के साथ उसको एसोसिएट कर रहे हैं, उसके साथ पैरेलल खड़ा कर रहे हैं, तो वो आप मुशरिक हो जाते हैं। तो कुरान की अपनी ही डेफिनेशन चैप्टर नंबर 98 वर्स नंबर 1 और 6 दोनों क्लियर करती हैं कि बाकी सारे के सारे जो मुसलमान नहीं है, जो अल्लाह को नहीं मानते और किसी भी गॉड को मानते हैं, वो जीसस क्राइस्ट है या वाहेगुरु है या राम है या शिव है, वो सारे के सारे काफिर है। अच्छा, तो सर अभी मेरे पास कुरान रखी है ना, मेरे एक दोस्त ने मुझे ला के दी थी, तो मैंने उससे ऐसे ही मंगाया था इन सब क्वेरीज को दूर करने के लिए। बहुत पहले तो उसने अपने मन से इलाके दी कि मस्जिद की सफाई हो रही थी, तो मैंने सोचा दे दूं तुमको, तो चाह रहा था मैं पढ़ूं अच्छे से उसको, अब वो किस इंटेंशन से आ रहा था मुझे नहीं पता है, लेकिन खैर पुराना तो अभी मैं... ना, किस ऑफर की है जो आपके पास कुरान है, कौन से ऑफर की है ये? सर अभी मैं दिखा देता, छोटी सी है, मैंने कुछ बहुत, क्योंकि उसकी पुरानी है ना तो चिपके चिपके पेजेस है, क्लियर नहीं है कुछ, लेकिन इंग्लिश और अरबी में है, तो इंग्लिश वाला पोर्शन आप मुझे अपना जो एड्रेस है वो टेक्स्ट कर देना, मैं भी आपको यहाँ से पोस्ट कर दूंगा एक कुरान। जैसे हम लोग कहते हैं कि, हम लोग क्या कहते हैं, दुबई लोग कहते हैं कि वो अच्छा मुसलमान नहीं है जब उसने गलत काम कर दिया, या फिर ये लोग कहते हैं कि उसने कुरान ही सही से नहीं पढ़ी इसलिए गलत काम कर दिया। मतलब फिर अच्छे मुसलमान की क्या डिफरेंस, जिसने पूरी कुरान पढ़ लिए ढंग से या जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ी है? देखिए ऐसा है, अच्छे की आपकी डेफिनेशन कुछ और होगी, कुरान की डेफिनेशन कुछ और होगी। कुरान के अकॉर्डिंग अच्छा मुसलमान, बल्कि सच्चा मुसलमान वो है जो कुरान के अकॉर्डिंग चलता है, जो जिहाद करता है, जो काफिरों के कत्ल करता है, वो सबसे अच्छा मुसलमान है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन कुरान। ठीक है, अब आप और मैं, हमारे लिए वो अच्छा मुसलमान है क्योंकि वो हमें मारना चाहता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ कुरान पढ़ने वाला नहीं, कुरान पे चलने वाला अच्छा मुसलमान है। बाकियों के लिए जो जिहाद नहीं करते उनके लिए एक और टर्म है, उसे मुनाफिक कहा जाता है, वो घटिया मुसलमान है। तो सर बहुत ये लोग फिर चाह के भी, मतलब कभी इसको सही साबित कर ही नहीं पाएंगे कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, मतलब उसको फॉलो करना चाहेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा सब। इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन ऑफ पीस, ये तो वो अपने आप ही क्लेम करते हैं। ये तो सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए कुछ जो अपोलोजिस्ट है वो बोल देते हैं, अदरवाइज वो सारे जानते हैं कि इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन ऑफ पीस। एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा आती है, जब भी कश्मीर में अटैक्स होते हैं और इंडिया के कभी पार, अभी तो 2014 के बाद कम हुए हैं काफी, लेकिन कश्मीर में तो अभी भी हो ही रहे थे, तो हमेशा आता है कि जब लोग कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही क्यों करता है, तो एक चीज आती है कि क्या कभी किसी इस्लामिक कंट्री से, किसी या फिर बहुत सारे इस्लामिक कंट्री के किसी गुट से ऐसा आए कि कुरान के हवाले से सब ये करने लग जाओ, ऐसा कुछ, तो क्या ये लोग एज अ स्लीपर सेल काम नहीं कर रहे हैं? मतलब कभी भी एक स्लीपर सेल की तरह नहीं उठ जाएंगे और खत्म करने के लिए शुरू हो जाएंगे तलवार उठा के? कभी ऐसा हो सकता, पॉसिबल है? देखिए ऐसा है कि इसका आपको एग्जांपल हमारी हिस्ट्री में वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन रिसेंट एग्जांपल तो कश्मीर का ही है। वहां पर अब ये कहा जाता है कि रेडिकल एलिमेंट्स कितने हैं इस्लाम के अंदर, जो मुसलमान उनमें से रेडिकल कितने हैं, है ना। तो रेडिकल की डेफिनेशन क्या होगी? रेडिकल की डेफिनेशन ये होगी जो हमें, जो नॉन मुसलमान को मारना चाहता है वो रेडिकल है, राइट। मान लीजिए कि इस तरह की केवल 10% है कश्मीर में, मान ले 10% थे, मैंने क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं से भी मिला हूँ जो वहां से आए हैं और पाकिस्तानी हिंदुओं से भी मिला हूँ, उनका कहना ये है कि जो बाकी के, अगर वैसे तो 90% नहीं है, लेकिन आर्ग्यूमेंट के लिए अगर हम ये मान भी लें कि 90% है, तो कभी भी हमारा साथ नहीं देते हैं, ओपनली तो बिल्कुल नहीं देते। कोई इक्का दुक्का आपको इंसिडेंट मिल जाएगा कि व्यक्ति बड़ा अच्छा था, वो जानता नहीं था कि कुरान में क्या लिखा है, तो एज अ ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स वो आपकी सहायता कर देता है, तो वो एक्सेप्शनल केस है, वो रूल नहीं है।
और जो आप स्लीपर सेल की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी संख्या स्लीपर सेल्स की, अभी एक वीडियो ट्विटर पे मैं देख रहा था कि एक मौलाना है जो बोलते हैं कि कितने लोग हैं, वो 200-250 सामने मुसलमान बैठे हैं, बोलते हैं कि तुम में से कितने हैं, इसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है जो आपने पूछा ना कि रेडिकल कितने हैं, तो मजाक उड़ा रहा है कि लोग सोचते हैं कि रेडिकल बड़े कम है। फिर वो अपने सामने जो 250 लोग बैठे हैं, 200 बैठे हैं, उनसे पूछ रहा है कि आप में से कितने हैं जो कुरान का हुक्म मानेंगे, तो सारे हाथ उठाते हैं उसमें, और जो हाथ उठा रहे हैं आप समझ सकते हैं वो किस कैटेगरी में जाएंगे। हाँ, जब कहीं ना कहीं से कान पकड़ना है तो इधर से, नहीं तो उधर से पकड़ो, किसी ना किसी हवाले से हो ही जाएगा काम। फिर सर मतलब भविष्य में, जैसे हम लोग यहाँ भी कहते हैं कि अगर कुछ लोग सेक्युलर होने के चक्कर में, या कि क्यों हम तुरंत रिएक्ट ना करें, तो कहते हैं कि हम चाहेंगे, हम लोग मेजोरिटी में हम कभी भी इस चीज को रोक सकते हैं, मतलब हम लोग, तो अभी क्यों रिएक्ट करना, बात बात पे उनको काउंटर क्यों करना, उसका मुझे बहुत लॉजिक समझ में नहीं आता है कि क्यों अभी, अगर अभी नहीं किया तो फिर भविष्य में क्या पता टाइमिंग ना रहे। हाँ, देखिए ऐसा होता है ना कि आप मेजोरिटी में हैं, तो उसका एग्जांपल आप ऐसे मान के चलिए कि भेड़ बकरियों का झुंड भी मेजोरिटी में होता है, लेकिन कुत्तों का एक ग्रुप आता है, 5-6 कुत्ते होते हैं, वो पकड़ के अपना जो उनको शिकार चाहिए था उठा के ले जाते हैं। और दूसरी, इसको आप ऑल ओवर चल के देखिए कि कैसे काम हो रहा है। हमारे देश में ही देखिए कि बंगाल में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, अभी दिल्ली के जो रॉइड्स हैं उनमें क्या हुआ। क्या हम ये वेट करेंगे जब हमारी गलियों से बहू बेटियां उठानी शुरू कर देंगे तब हम रिएक्ट करेंगे? तो हाँ इस तरह तो के असल में ना ये डरपोक लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, तो इस तरह के फ्लिमजी बहाने बनाते हैं। हाँ, और सर अभी देखिए नौबत तो अभी है कि हमारे पास, अब एक तरीके से पुराने टर्मिनोलॉजी में देखें तो राजा हिंदू, चाहे जिस स्टेट में हो रहा है उस स्टेट का भी सीएम हिंदू ही तो है सर, जैसे वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, चाहे कहीं भी उस कंडीशन में भी, और इनके हिसाब से इनको चाहिए कि हमें हमारा हक उस हद तक चाहिए कि हमें भी पीएम बनाओ, और हम जब बन जाएंगे तो क्या क्या ये लोग करेंगे, उस दिन का इंतजार फिर देखने लायक नहीं होगा फिर, मुझे लगता है कभी मौका मिल गया तो। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन साथ में एक चीज और ऐड कर लो, हम बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं कि जिसका नाम हिंदू वाला है उसे हिंदू मान लेते हैं। ऐसा कतई नहीं है। ममता बनर्जी का नाम हिंदू हो सकता है, लेकिन उसकी सोच, उसकी जो व्यवहार है वो हिंदुओं वाला नहीं है, तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, वो हिंदुओं में आप गिनेंगे, तो आप गलत गलती कर रहे हो बहुत बड़ी। तो मतलब उस अम्ब्रेला में आके वो सारे काम कर रही हैं कि मतलब हाँ, अगली पार्टी को भी डायरेक्टली हर्ट ना करूं, कोई कुछ कह भी ना पाए, और ये सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में आ जाए ये हो सकता। पीयूष जी, इसमें ना दो चीजें बड़ी अलग अलग हैं। पहली, ये हम ये बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, हम इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स मान लेते हैं अच्छा कि पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। आप अपने आप को सोच के देखो, मान लो आप पॉलिटिशियन बन जाते हो, ठीक है, और क्योंकि पॉलिटिशियन का काम है कि उसको इलेक्शन जीतना है, तो सबसे बड़ा ग्रुप तो हिंदुओं का है। अगर आप एक चालाक पॉलिटिशियन हो तो आपका टारगेट हिंदू होने चाहिए। अगर आप उनको कंसोलिडेट, अपीजमेंट तो आप सबसे बड़े सेक्शन की करोगे ना, छोटे वाले की थोड़ा करोगे। ये शुरू से ही ये वोट बैंक पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं है। इस गलतफहमी में से बाहर आ जाइए। ये हिंद सनातन धर्म को, जो हमारे देश की ट्रेडिशन है, उनको खत्म करने का सिस्टम है। वो कैसे करना है, उसके लिए वो प्लानिंग कर लेते हैं। मान लीजिए किसी रीजन में 20-22% मुसलमान है, तो उनको अपीज कर दिया, साथ में हिंदुओं का एक सेक्शन तोड़ लिया कि वो यादव हैं या कौन से हैं, इस तरह की कैलकुलेशन करके अल्टीमेटली उन्होंने तोड़ना हमारे समाज को ही है। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं है, ये हमारी संस्कृति को खत्म करने की प्लानिंग है। और सर जैसे मैं इसलिए, क्योंकि मुझे इसलिए ये थॉट आया, क्योंकि जब भी मुसलमानों के लिए टारगेट टारगेट करते हैं एक वोट बैंक की तरह, तो उनको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके अंदर जो उम्मा कॉन्सेप्ट होता है, एक लीडर आया तो सब आएंगे पीछे पीछे, वो बुला लेगा तो सब आ जाएंगे, तो एक गुट है जो हमेशा अनडिवाइडेड रहता है, ये मेरा कहने का मतलब है, हाँ, चले जाते हैं जहां बोलेगा वहां चले जाएंगे, और जहां वो आपकी फायदा बात दिखेगा ठीक चले जाएंगे। कि वो एज अ ब्लॉक वोट करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कम होते हुए अपनी पावर बना रखी है। ऑर्गेनाइज्ड है ना वो। वही बात है कि कुत्तों का झुंड है, वो ऑर्गेनाइज्ड है। 6-7 होते हैं, फिर भी वो भेड़ बकरियां अगर 200 की उनमें से उठा के ले जाते हैं। सर ये कभी कहीं और देखा गया, जैसे कि ये लोग छोटी छोटी बात पे जो नाराज हो जाते हैं कि क्यों, अभी जैसे मेरी कई वीडियोस में कुछ लोग कमेंट करते हैं कि वो तो आजादी के बाद हिंदुओं को देश मिल गया, वरना मतलब ऐसी चीजें बोलते हैं कि ये
हम ही लोग यहाँ पे गलत आ गए, हम लोग और वो लोग हैं, उन्हीं का था हमेशा से ये टर्मिनोलॉजी उन लोग की होती है, ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं दिमाग में। तो मैं पूछता हूँ कहाँ से हो फिर बताओ जरा, पाकिस्तान पाकिस्तान से बहुत सारे तो निकलते हैं, तो उनको कभी पछता ही नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में मेजोरिटी अभी भी हम लोग कैसे बचे हैं, उनको इस बात का बहुत दुख है अभी तक। एक चीज और है, जैसे कि कुरान जब मैंने जो भी मिली मुझे, तो आपकी मैंने जो भी वीडियोस देखी, तो जब आप कुछ कोट करते हैं जैसे किसी सूरा का इधर का, फिर उसका रिलेशन किसी तीन चार छोड़ के दूसरी सूरा में होता है ऐसे करके, तो ऐसा क्यों, सीक्वेंस क्यों नहीं है? मतलब मुझे ये लगता है कि क्यों, क्या लोग जैसे मोहम्मद थे वो जगह जगह जाते गए, नई सिविलाइजेशन में जाते गए, तो उनको अपने माहौल के हिसाब से जो सूट किया वो फिट करते गए क्या, जो मतलब जहां से उठा लिया जिस रिलीजन से जिस सिविलाइजेशन से? ऐसा नहीं। पहली चीज तो जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था बहुत ज्यादा जगह पर नहीं गया, मक्का मदीना और उसके आसपास ही थोड़े बहुत एरिया में ही रहा है वो। और दूसरी चीज जो आप ये पूछ रहे हो कि किसी आयत का लिंक किसी और आयत से होता है, किसी और सुरा में चला जाता है, उसका कारण ये है कि मोहम्मद के जीवन काल में जो कुरान आप आज किताब देखते हो थी ही नहीं, अलग अलग जगह पे बिखरी हुई थी, और मोहम्मद के मरने के 23 साल बाद इस कुरान को इकट्ठा किया गया है। तो और दूसरी चीज कि चैप्टर वाइज जो चैप्टराइजेशन थी जो आज है कुरान की, वो उस समय नहीं थी। उन्होंने क्या किया कि अंदाजे से जो सबसे बड़ी सुरा है, जैसे जो सुरा नंबर 2 है वो सबसे बड़ी है, उसको सबसे पहले ही कर दिया, और फिर जो साइज छोटा होता जा रहा है तो सुराएं पीछे जाती जा रही हैं, इस हिसाब से इसको डिजाइन किया उन्होंने। हालांकि ये भी 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि बीच में कई सुरा ऐसी आती है कि जैसे एक छोटी थी उसके बाद वाली थोड़ी बड़ी आ गई है, तो ये भी, और ना ही क्रोनोलॉजिकली बनाया उन्होंने, ना ही टॉपिक वाइज बनाया है। उनको लगा पहले क्या था कि कुछ लोगों ने इसको मेमोराइज कर रखा था कुरान को, फिर इनकी, क्योंकि सारा लड़ाई झगड़े का इनका सिस्टम था, तो एक लड़ाई झगड़े में बहुत सारे ऐसे लोग मारे गए जिन्होंने कुरान याद कर रखी थी। तो फिर इनका उस समय खलीफा था उमर, उसने, और उसके बाद उस्मान, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको लिख के कंपाइल करके रखते हैं कि एक स्टैंडर्ड रहेगा इसका। तो तब इन्होंने उस समय के पूरे अरेबिया में जितनी अलग अलग कुरान थी, उस समय भी कई थी अलग अलग जिनमें वेरिएशन थी, उन सबको लेकर एक ही कुरान को स्टैंडर्डाइज कर दिया और बाकी सारी जला दी अपनी, इसलिए सॉरी अपनी किताब जला दी। अभी तो आज दंगा हो जाएगा। ये पता क्या है, ये सारे का सारा शो ऑफ है। अब पिछले साल क्या हुआ, सऊदी अरेबिया के गटर की सफाई चल रही थी, तो वहां के गटर में से हजारों कुरान निकली है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया के गटर में से हजारों कुरान पेज छू दे, गलत जगह रख दे, तो फिर क्या हो जाए? हाँ। जब तो दे गया मेरा दोस्त, उसने बोला सही से संभाल के, ऐसे रखना वैसे रखना, यहाँ रखना वहां रखना, और वहां पे ये सब होता है जो जहां से ओरिजिन हुआ है। ये ना, अब दूसरों को क्या बोलते हैं कि बुत परस्ती करते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि पत्थर है, पत्थर में भगवान थोड़ी है। तो ऐसे ही कुरान भी तो कागज का टुकड़ा, उस पर इंक है, वो कोई अल्लाह थोड़ी है, लेकिन वो कुतर्क कहीं भी दिया जा सकता है किसी भी तरह। अब ये लोग बिना लॉजिक के भी देते हैं, जैसे अब कई बार प्रूफ नहीं करते, इनको लगता है कि अब उसके बाद एक विक्टिम कार्ड के ले लग जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चनबाजी हो जाए अगर उनसे ज्यादा पूछ लें, तो कहते हैं अब मुझे क्यों दबाया जा रहा, सब मुसलमानों के साथ ही गलत होता है, हम ही क्यों जवाब नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो मुझे लगता है जिस हिसाब से आए इतने हैं, जिस हिसाब से जैसे जितना भी मैंने देखा, मैंने पूरी पढ़ी तो नहीं, आप ही का सब सुना हुआ है, और सब मैंने नोट कर करके मैच करके ढूंढा भी है, तो क्योंकि मैं सब निकाल के रखता हूँ कभी भविष्य में काम आए किसी को काउंटर करने के लिए, पूछने के लिए, तो रियल बुक है मेरे पास तो उसी ज्यादा पूछूंगा, क्योंकि कभी लोग कहते हैं कि अगले ने फेक बनाया, जैसे वो वीडियो में है तो एडिटेड है ना, जैसे होता है ना कि आपने कहीं से खुद ही लिख दिया हो, कहते ये लोग कहते हैं, तो मैंने कहा भैया जो मेरे पास है, मैंने अगर कहीं से देखा है तो मेरे पास प्रूफ भी है, तो मैं पूछ सकता हूँ अगले से। लेकिन फिर क्या एक तर्क और दिया था मेरे दोस्त ने कि एक एक शब्द का इतने अर्थ होते हैं कि एक ऊंट पे लिख दो तो मतलब पूरे ऊंट पे लिख दो, इतने ज्यादा एक एक वर्ड का मतलब होता है। तो अब वो ये कहना चाहता है कि अगला कैसे पढ़ रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। इसका देखो, ये इन्होंने इस तरह भी बहुत सारे ट्रिक बना रखे हैं, तो आपको याद ही रखना है कि कुरान में जो इनका गॉड है अल्लाह नाम का, वो अपने आप कह रहा है कि आज मैंने तुम्हारे लिए मजहब को सिंपल बना दिया, बिल्कुल सीधा और सरल बना दिया।
तो अगर सरल बना दिया है, सरल किताब है, तो उसके लिए ऐसी नॉनसेंस क्यों है कि एक ही के 100 मतलब निकल सकते हैं? अगर गॉड ही सिंप्लीफाई करके दे रहा है, फिर थोड़ी उसके 100 मतलब निकलेंगे। हाँ निकालना भी गलत बात है फिर, मतलब अपने हिसाब से मॉडिफाई भाई हाँ है। और फिर जैसे अभी क्योंकि जो बच्चे हैं जो जिनको नहीं समझ में आता, वो तो कहते हैं भाई मौलवी बता पाएंगे, उनके पास चलना मैं बता दूंगा अच्छे से, मतलब समझ हमको ले जा रहा था वो, हमने काम घर पर जितना पढ़ सकते हम समझ लेंगे, हमको कहीं नहीं जाना है। अब इंग्लिश में लिखा ही था, हमने कहा अभी वाली समझ क्या करें, इंग्लिश में लिखा है समझ लेते हैं। और फिर ये हाँ ट्रांसलेशन वाला भी इशू होता है कि जो लिखा है वो एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं हुआ है, तो इनका वही ऐसा है मतलब ना, देखिए मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। जी। अब फिजिक्स में बहुत, जैसे कोपरनिकस ने जब थ्योरी लिखी तो उसने लैटिन भाषा में लिखी, फिर उस लैटिन को किसी ने जर्मन में ट्रांसलेट किया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, फिर मैं उसको हिंदी में पढ़ता हूँ, और मान लीजिए कि मैं गुजरात में हूँ तो गुजराती में बता रहा हूँ, या पंजाब में तो पंजाबी में बता रहा हूँ, तो 4 भाषाओं में ट्रांसलेट होके कोपरनिकस की थ्योरी आती है, या गैलीलियो के लॉ आते हैं, लेकिन वो कभी चेंज तो नहीं होते। क्या ये संसार की एक अकेली किताब है जिसको दुनिया भर के सैकड़ों स्कॉलर्स ट्रांसलेट कर चुके हैं, लेकिन वो गलत ट्रांसलेट कर देते हैं? तब तो उसे आप ये जिनको तो भी डाउट मान आता है, उसे भी क्वेश्चन आता है कि तुम भी गलत जगह पे चल रहे हो, मतलब तुम छोड़ दो फिर, जब कंफर्म ही नहीं है कि तुमने क्या पढ़ा है वो गलत है या सही है, तो फिर तुम हाँ पढ़ो, ये भी तो कह हाँ सकते हैं एग्जैक्टली क्या सर। और इन लोगों का जो ये होता है सर कन्वर्जन का, अभी जो पता नहीं इंडिया में अभी हो भी रहा है लेकिन अब पता नहीं चलता, उतना खबरें नहीं आती हैं जैसे जैसे आपसे पाकिस्तान में हो रहा है, तो ये क्यों ये लोग निकले हुए हैं? जैसे कि कन्वर्ट करने का क्या है? वो है मेन, सिर्फ वही कि पॉपुलेशन बढ़ानी है, क्या करना है सर? लैंड कब्जा करना जैसे हर जगह का ये लोग करते आए। देखो, ऐसा है ना कि पावर पावर चाहिए होती है हर किसी को, तो यहाँ पर आप जितने ज्यादा कन्वर्ट कर लेंगे, भेड़ बकरियां जितनी ज्यादा होंगी उतनी आपके पास पावर रहने वाली है ना। एक एक मौलवी की, एक इमाम की ताकत तब तक है जब तक उसको फॉलो करने वाले मुसलमान उसके अंध फॉलोअर बने हुए, अंधे फॉलोअर्स। जिस दिन वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे, सच्चाई जानना शुरू कर देंगे, उसकी पावर खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जितने ज्यादा किए जा सके, अब क्योंकि डेमोक्रेसी चल रही है तो डेमोक्रेसी तो सीधा वोट का खेल है, जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा है। और अगर आपने कहीं इन्वेड कर रहे हैं, जैसे यूरोप में हालत खराब हो रही है कि वहां पर घुसते ही जा रहे हैं, तो वहां पर भी नंबर्स आपके पास है, वो आप जीत ही जाएंगे, आप बेशक झूठे हैं तब भी जीत जाएंगे। गैलीलियो के साथ क्या हुआ था, गैलीलियो छोड़ी, उसका जो उससे पहले ब्रूनो नाम का एक प्रोफेसर था, सन 1600 की बात है, उसने बोला कि धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती। अब यूरोप में बोल रहा, जहां पर बाइबल इससे उल्टा बोल रही है, तो उसको चौक के बीच में खड़ा करके जिंदा जला दिया गया। ये है पावर ऑफ नंबर्स, तो पावर ऑफ नंबर्स पे खेल रहे हैं। मतलब मनमानी करने के लिए बढ़ाना हाँ है। तो सर फिर तो इनके मतलब हर शब्द के पीछे डबल मीनिंग होती है, जो सॉफ्ट सॉफ्ट बोलते हैं तो ऐसे तो आदमी किसी का। और फिर जो हम लोग कहते हैं कुछ अच्छे मुसलमान भी होते हैं जो हम लोग मान के चलते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि वो मुसलमान नहीं है, वो अच्छा इंसान मैं मान के चल सकता हूँ। जैसे आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, तारिक फतेह साहब हैं, ऐसे मतलब बहुत लोग हैं जो रैशनल बातें करते हैं, जो ऐसा नहीं होते जो सुनने में समझ में आ जाता है आदमी को कि वो क्या है माइंडसेट अगले का। फिर ये लोग जो होते हैं फिर रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट आरिफ मोहम्मद खान साहब को पूरा मतलब बीजेपी का, आरएसएस का, संघी का, मतलब मैं कोई भी जैसे कुछ जिक्र कर दूं, वीडियो डाल दूं कुछ, तो ये लोग पूरा एकदम लिस्ट आ जाती है। अब अभी लोग चाहते हैं कि सीधा ये लोग बात ही रेडिकल करें, तो भैया हमारा मुसलमान है, और जहां कुछ पक्ष में बात करती देश के, तो भाजपा का हो गया, संघी हो गया। इसमें जैसे आप देखिए कि जो हमारे राष्ट्रपति थे अबुल कलाम, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, है बहुत अच्छा। ना। तारिक फतेह है, रैशनल बात करता है, इस तरह के बहुत हैं जो, लेकिन उनको ऑपोजिशन बहुत फेस करनी पड़ती है। मैं अभी जो आपके आपसे कहा ना कि जिस दिन उन्होंने अपनी अकल लगानी शुरू कर दी, मौलवी के कब्जे से बाहर निकल गए, उस दिन मौलवियों का खेल खत्म हो जाएगा, और यही वो नहीं चाहते कि हो। सर इस्लाम का ये लोग जैसे कहते हैं कि नॉर्मली कि बहुत अच्छा रिलीजन है, बहुत कुछ दिया है, और हमसे वैसे तो देखा जाए तो इन्वेंशन तो कुछ नहीं निकली है, कुछ एक सुई भी बना के नहीं दिए, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन क्या है?
मतलब इनके हिसाब से भी अगर तुमको कभी आईना दिखाना दिखाना चाहिए वैसे तो कभी मानेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इनको जनरली क्या कैसे इनको एक्सेप्ट कराया जाए कि भाई देखो ये बात थी, ऐसे था, तुम कभी ये नहीं थे, निकल के आ जाओ, इसका क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या स्टेप्स हो सकते हैं, पहले फ्यूचर क्या है तो इसका, इस्लाम का फ्यूचर अगर नहीं इस्लाम लड़ा का, जाए तब तो खतरनाक है। हाँ नहीं, इस्लाम का फ्यूचर डिपेंड करता है कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर तो जैसे यूरोप ने किया, उन्होंने तो बिल्कुल उनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है, वो मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे वो भूल चुके हैं कि क्या इतिहास क्या रहा है। तो हम, लेकिन अगर अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो अगर हमने इनको सच्चाई नहीं बताई, देखिए ये लड़ाई सच और झूठ की है, हमारे हमारी फेवर में सच है और कुछ नहीं हमारी फेवर में। अगर हम ये बोलते हैं कि सत्यमेव जयते, तो सत्य अपने आप नहीं जीतता, आपको मुझे हम जैसे सब लोगों को इसके लिए सच सामने रखना पड़ेगा, और सच में पावर होती है। आप ये देखो, जैसे आप यंगस्टर हो, मैं हमेशा यंगस्टर से ज्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तुम भी देखना, तुमसे जो 5-7 साल छोटे होंगे ना, वो ज्यादा रिसेप्टिव है, ज्यादा ओपन है, और ज्यादा बोल्ड होते हैं सच्चाई एक्सेप्ट करने में। बहुत उनके मन में छल कपट नहीं लेकिन होती ना, थोड़ा सा क्लीन रहता है। हाँ, उनमें छल कपट नहीं होता। तो ये वो लोग हैं जो सच एक्सेप्ट करेंगे और यही इस समाज को चेंज कर सकते हैं। जो बड़े हो चुके हैं उनको छोड़ दो, उनपे माथा भी मत फोड़ना, उनसे बहस भी मत करना। नई जनरेशन को अगर हम समझा पाए तो हम समाज बचा लेंगे, नहीं तो ये राक्षसी प्रवृत्ति फैल जाएगी। तो नई जनरेशन जैसे बच्चे हैं या फिर मेरी उम्र के लिए, मुझसे छोटे ले लीजिए, तो इनको अगर हमने कभी कुछ कहने की कोशिश भी की तो कन्फर्म तो जाके मौलवी और अपने पेरेंट्स के पास ही करेंगे ना, तो फिर कैसे हो जाएगा, साइकिल ये तो वही होता रहेगा। देखो ऐसा है कि तुम्हारे पास फैक्ट्स होने चाहिए और अपनी बात रखने का ढंग होना चाहिए कि भाई ये फैक्ट है, मुझ पे विश्वास मत कर, तूने जिससे जो पूछना है पूछ ले, और वापस आके बात करना मुझसे, फिर उनको समझ में आएगा। और नॉट बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जहां पे उनको वहां कोई जवाब मिलेगा ही नहीं। जो एक्सेप्ट करना चाह देगा वो सर वो तो कर लेगा कुछ, थोड़ा रैशनल दिमाग ला के या फिर एक लिमिट पे आके, उसको कितना कुछ मिल ही नहीं सकता ना, एक लिमिट होती है कितना काउंटर मिलेगा, हाँ तब तो ठीक है। लेकिन फिर एक पॉइंट क्या, अब कुछ लोग होते हैं चेंज होना ही नहीं चाहते, ये बदलना नहीं चाहते क्योंकि वो ऑलरेडी जैसे ब्रेन वॉश हो चुके होते हैं, तो फिर अगले हाँ में कहते हैं तुम कम्युनल हो रहे हो, तुम एंटी मुस्लिम हो रहे हो, एंटी माइनॉरिटी हो रहे हो, तो फिर वो वहीं रुक जाता है, मुद्दा खत्म हो जाता है। फिर अगला अगर बोलेगा तो फिर वो लड़ाई वाली सिचुएशन लोग पैदा कर देते हैं ये अपने बचाव के लिए। इस्लाम छोड़ने के लिए ना, इस्लाम क्या, कोई भी रिलीजन। अब जैसे मान लीजिए, मैं तो बड़ा ओपन माइंडेड था बचपन से ही, तो मैं अपना एग्जांपल नहीं देता इसमें। आप किसी मुसलमान का एग्जांपल लीजिए, उसको बचपन से बताया गया कि तेरा पैगंबर बहुत अच्छा था, तो इतने अच्छे थे कि वो जो सर पे कचरा फेंकती थी उसका भी हाल पूछने चले जाते थे, और इस तरह की 36 कहानियां उनको सुनाई जाती है बचपन से कि हमारे नबी क्या रहता है। अब उसको जब बड़े होके सच पता लगता है कि किस प्रकार का व्यक्ति था, तो वो 2-3 ढंग से रिएक्ट कर सकता है। अगर तो वो बोल्ड है, उसमें हिम्मत है, क्योंकि इसके लिए हिम्मत चाहिए कि आज तक मेरा जो जीवन बीता है वो सारा बेकार गया, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए इस चीज को। ये सिर्फ इस्लाम के मामले में नहीं, किसी भी चीज के मामले में अप्लाई होता है। और ऐसा ही बोल्ड होना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। दूसरा है जिसे वो इनकार करेगा, वो रिजेक्शनिस्ट मोड में चला जाएगा, डिफेंसिव हो जाएगा। और मोस्टली लोग भेड़ बकरी हैं, वो ऐसे ही करते हैं कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। हालांकि अंदर ही अंदर वो सच मान भी लेगा, लेकिन सामने मानने का मतलब है ये एक्सेप्ट करना कि आज तक का मेरा जो जीवन था मैं झूठ में जी रहा था। नहीं तो फिर जो बताने वाले हैं वो तो दोनों पहलू क्यों नहीं बताते, जैसे फिर बच्चा अपने आप शुरू में ही ना एक्सेप्ट करे, कह दीजिए जैसे अगर वो बताएंगे जो आपने वो कहानी बताई पत्थर फेंकने वाली, तो जाके मोहम्मद साहब क्या करते थे, मतलब हाल चाल पूछते थे, तो फिर अगर ये लोग दूसरे एंगल और वो लुटेरा होने वाला एंगल और तमाम लड़ाई झगड़ा ये सब करने वाले एंगल अगर सब बताएं, या तो बताएं तो सब बताएं, ये लोग खुद ही पार्शियली सब कुछ बताते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, बेवकूफ क्या मतलब कंफ्यूज हो रहा है, उसको पता ही नहीं एक दूसरी साइड, तो फिर वो आगे चल के उसको दूसरी साइड बताई जाएगी तो उसको बुरा लगना ही है जिसको उसने सब कुछ मान लिया है। जी, पहले तो ये 2 साइड्स नहीं है, ये जो कहानी बताई जाती है वो झूठ है, वो फैब्रिकेटेड कहानी है, कभी अच्छा ऐसा किया ही नहीं उसने जाके पूछता हो। तो एक ही साइड है कहानी की जो ये लूटपाट वाली है, वो बिल्कुल 100% उल्टा करके उसको बताया जाता है बचपन से। बस
सर ये लोग तो कभी भविष्य में पढ़ेंगे कि नहीं, ये लोग मोस्टली मुझे लगता है कि लोग पढ़ते भी होंगे, जो नई जनरेशन है कुरान पढ़ते नहीं होते, बस सुन के जो मानना है वो मान लेती होगी, है ना। हाँ देखिए ना, मैक्सिमम लोग इंटेलेक्चुअली लेजी होते हैं, मानसिक रूप से हम आलस के शिकार, पूरा समाज ही हमारा आलस का शिकार है। तो जो किसी ने बता दिया, और स्पेशली वो अगर अपने आप को सूट करता है, अच्छा लगता है, फिर उसको एक्सेप्ट करना भी आसान है कि हमारे नबी तो बड़े अच्छे थे, हमने इस्लाम अपना लिया, बहुत अच्छा काम किया, वो सूट कर रहा है आपको। लेकिन अगर आप एनालाइज करेंगे और सच्चाई ढूंढने निकलेंगे, तो पहले तो आपको कष्ट करना पड़ेगा ढूंढनी है, फिर आपको हिम्मत भी चाहिए कि ये सच है तो इसको मुझे छोड़ना भी पड़ेगा। इतना आगे तक जाने वाले लोग अब बहुत कम है हमारे समाज में, हालांकि होने ज्यादा चाहिए पर वो है नहीं है। तो इनकी जो मुल्ला मौलवी इमाम मुफ्ती, इनकी ताकत ही ये है कि लोग जब तक अनपढ़ रहेंगे, जब तक अनभिज्ञ रहेंगे, अनजान रहेंगे, तब तक इनकी दुकान चलने वाली है। ये अनपढ़ वाला लॉजिक तो है, क्योंकि ये लोग जैसे अभी बीच में था मदरसा को मॉडर्न करने का, या उसमें अलग अलग चीजें और शिक्षाएं भी दी जाएं, तो ये लोग उसका भी बॉयकॉट करते हैं भाई कि ये हम अलाउ ही नहीं करेंगे। लेकिन फिर उन लोगों को भी नहीं दिखता ये चीज कि हम अपने बच्चे को अनपढ़ क्यों रखें, और फिर जो जिस तरीके से लोग पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, जब संभाल नहीं सकते तो बढ़ाते क्यों हैं। मतलब वो एजेंडा दूसरी तरफ है, लेकिन एक नॉर्मल चीज होती है कि आप फीड भी नहीं कर सकते, अब वो मरने के लिए छोड़ दिया रोड पे, तो उनके पेरेंट्स की भी समझ में नहीं, और फिर जनरेशन फिर वही कॉपी करती रहती है कि हम भी फिर पैदा करेंगे, पाले ना पाले, रोज पे रहे वगैरह वगैरह, कुछ एंड कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा फिर। लेकिन हम लोगों को फिर इसी मानसिकता के साथ घुल मिल के फिर बहुत लोग, क्योंकि क्या जो हिंदुओं में भी हैं, अब जैसे आपने कहा कि सिर्फ नाम हिंदू है, जैसे मैं भी कई लोग को जानता हूँ जो मेरे दोस्त हैं, जो करीबी है, जो ऐसी विचारधारा रखते हैं कि मतलब वो गलत नहीं हो सकते वो लोग, वो हमारी बीजेपी और तंगी वाली सोच है जो डाउट करती है। और एक लॉजिक ये भी होता है कि हम लोगों ने 2014 से डाउट करना शुरू किया, उससे पहले हम लोग कहाँ थे, थोड़ा ये कहा जाता है, उससे पहले सब शांत थे, कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती थी, कोई सब हार्मनी थी, हर जगह शांति थी। अब मेरा लॉजिक ये कहता है कि हम लोगों ने होने दिया क्योंकि हम लोग को शायद कम एक्टिव थे, प्रोएक्टिव नहीं थे उतना, लेकिन एग्जिस्ट तो करता ही था वो सब। नहीं, उसके साथ दूसरी चीज कोइंसाइड कर गई ना कि सोशल मीडिया भी उसके बाद ज्यादा प्रोमिनेंट होने लग गया, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। फेसबुक 2012 में आया, तो पॉपुलर होने में टाइम भी तो लगेगा उसे। उससे पहले ऑर्कुट होता था, ऑर्कुट पे भी ये डिस्कशन चलती थी, और लोगों ने इस्लाम की सच्चाई बताने के लिए किताबें लिखी हैं। अरुण शौरी की किताबें आप पढ़ के देखिए, सीताराम गोयल की किताबें पढ़िए, तो उस समय जब किताबें थी तो किताबें चल रही थी। अब सोशल मीडिया आया है तो उसने एक पावर दे दिया एक आम व्यक्ति को कि वो बात कर सकता है। बहुत समय से था मेरे अंदर चीजें, अब आप जो भी वीडियो से देखेगा समझ में आएगा उसको, और वो चीजें लिखेंगे क्योंकि वो लिखते हैं, और जो पाकिस्तानी होते हैं उनका तो लॉजिक ही ऊपर होता है, उनका तो समझ में नहीं आता पहले। विजन बहुत बड़ा है, वो अचीव करना पॉसिबल नहीं है अकेले, जैसे अखंड भारत वाला या फिर इन सब चीजों के बिना अच्छा इंडिया, लेकिन आदमी कोशिश कर सकता है। अब वायरस बहुत है, एंटीवायरस पड़ेगा सब धीरे धीरे, तभी तो सब क्लीन होगा। हमें हमें कोशिश ही करनी है पीयूष जी, और ये मत सोचना कि वो हो नहीं सकता। अखंड भारत का टारगेट लेके चलिए, उसको छोड़ना नहीं है। नहीं सर, छोड़ेंगे थोड़ी। ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक पे।